अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो। हाँ। कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूँ हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है। सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में एक नई पर्सनैलिटी के साथ। आपको पता है नाज़रीन, जिस तरह के हम हर दफ़ा अपनी सोसाइटी के एक ऐसे डायमंड्स और ऐसी पर्सनैलिटीज़ और ऐसी सक्सेस स्टोरीज लेकर आते हैं आपके सामने, जिन्होंने ना सिर्फ अपने मुल्क का नाम रोशन किया होता है बल्कि अपनी फील्ड में भी एक नुमाया नाम और मुकाम पैदा किया है। इन्हीं में से आज एक पर्सनैलिटी मेरे साथ मौजूद है जो बज़ाहिर किसी तारीफ के मुहताज नहीं है। पाकिस्तान में फिनंशियल सर्विसेज, जो कि बज़ाहिर बहुत मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड सर्विसेज है, उसमें नुमाया मुकाम हासिल किया उन्होंने। और अगर हम पाकिस्तान में इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें भी बहुत नुमाया मुकाम हासिल किया है, ना सिर्फ अपने अदारे के लिए और बल्कि पाकिस्तान के लिए। और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा एक और काम किया है, वो काम क्या है जो पाकिस्तान के यंगस्टर्स के लिए है, और उन्होंने मुझे बताया भी है कि पाकिस्तान के जो नई जनरेशन आ रही है उसके लिए वो काम करने जा रहे हैं, वो क्या है हम सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। तो मैं चलता हूँ जनाब, मेरे साथ मौजूद है इस वक्त EFU के जोनल हेड और एलीट बिजनेस फोरम के फाउंडर जनाब शाहिद इकबाल भट्टी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ठीक है से भाई साहब, मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज मैं आप जैसे कदावर शख्सियत का एक इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश भी थी बहुत तरीना। नो डाउट आप रियल में पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं, जो आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से मैंने जो जाना है आपको, पढ़ा है आपके मुतलक, और स्पेशली आप न्यू जनरेशन की। हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है ख्वाबों से तबीर। बड़े साहब, पहले तो मैं चलूँगा, वो कौन से ख्वाब थे जो आप बचपन में देखते थे और जिनकी तबीर के लिए आपने स्ट्रगल की, ये कहाँ से ये स्टार्ट हुआ सफ़र और कहाँ तक पहुँचे और अभी कहाँ तक आपको जाना है? नो डाउट अभी आपको बहुत आगे जाना है। प्लीज़ मेरी कोशिश होगी कि आज आप ज़्यादा यानी कि बोलेंगे और मैं सुनूँगा आपको ज़्यादा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। एक तो सबसे पहले आई एम थैंकफुल टू मियाँ शाहिद साहब और एशियन ट्रेड टी वी का मैं मशहूर हूँ। एक मेरे जैसे शख्स के पास ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी गई है कि मैं कुछ, मैंने अगर पाकिस्तान में कुछ थोड़ा सा काम किया है पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तानी काम के लिए और अपने बहन भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो उसको एशियन ट्रेड टेलीविज़न उसको रिकगनाइज भी कर रहा है और मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा है इस मामले में कि मैं आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करूँ। शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच। इट्स ग्रेट जी, हमारे एशियन ट्रेड वीक के लिए एजाज की बात है। आई एम सो काइंड ऑफ यू कि अगर मेरे और आप के दरमियान जो बातें हमने पहले की और आपने मुझे कन्विंस किया कि आप भट्टी साहब आप उसको ऑन एयर करें, तो अल्लाह ताला ने ये अपॉर्चुनिटी शायद लिखी थी कि मेरे साथ साथ आप भी जो एक जज्बा ईमानी जिस शख्स में आ जाता है तो वो फिर उसका विजन जो है ना वो चेंज हो जाता है। मैंने जी यहाँ से ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद और ग्रेजुएशन के बाद डबल मैट्रिक्स के साथ मैं चला गया वाले सब के पास कतर में, फिर वहाँ से हायर स्टडी किया, फिर साइप्रस से 94 में मैंने एक इम्पीरियल कंपनी ज्वाइन की ICA, और उसके बाद 96 में मुझे ये एहसास हासिल हुआ बाहर के सर्टिफिकेशन के बाद कि मेरी मुलाकात EFU के प्लेटफॉर्म पे, मैंने एप्लीकेशन थ्रो की और मुझे कॉल आई और मेरी सिलेक्शन हुई बीइंग ए यूनिट मैनेजर ऑफ लाहौर। मैं अपॉइंट हुआ डायरेक्ट। मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू माई एंडी एंड स्पेशली एट दैट टाइम जो नसीब चौधरी साहब ने
نے سلیکشن کیا اس کا. تو ایک عزم تھا, ایک جذبہ تھا. جیسے آپ نے خوابوں سے تعبیر تک کی بات کی, تو میرا بھی ایک تھیم تھا کہ جب آپ کو ینگ ہوتے ہیں, آپ کو جاب نہیں مل رہی ہوتی, آپ نے پیرنٹس کے پیسے لگائے ہوتے ہیں اور خاص طور پہ باہر کے ملکوں میں آپ جاتے ہیں اور باہر کے ملکوں میں اپرچونیٹی دیکھتے ہیں اور ملتی نہیں, پھر پڑھ کے آپ پاکستان آتے ہیں, تو آپ کو یہاں پہ وہ اپرچونیٹیز شاید جاب کی صورت میں نہ ملے. لیکن اگر کسی نے پاکستان میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے ضروری ہے کوئی جاب میں رہ کے کرے, وہ پاکستان میں جاب میں رہتے ہوئے بھی کر سکتا ہے, بزنس میں بھی رہ کے کر سکتا ہے. جیسے آپ کر رہے ہیں ماشاء اللہ, آپ نے پاکستان کو صرف یہاں پہ روشن نہیں کیا, میں نے بھی سارا چیک کر لیا کہ آپ نے بھی وہی کام کیا جو شاہد بھٹی کر رہے ہیں. تو آپ بھی پاکستان کے امبیسڈر ہیں اور ہم بھی یہ پلیٹ فارم سے پاکستان کے امبیسڈر ہیں. تو جب میں نے 1996 میں اس کی میری جوائننگ ہو گئی, اس کی ساری چیزیں میری ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے 99 میں, چونکہ آئی واز ڈائی ہارڈ, تو بینگ اے برانچ مینیجر جب میں یہاں پہ بنا لاہور میں, تو میں نے ایک ود دا ہیلپ آف سینئرس میں نے کچھ انوویشنس کی. ڈو یو وانٹ کے نام سے یونیک آفر, انکم پروٹیکشن ہوتی ہے, میڈیکل فیسلٹیز ہوتی ہیں. اس وقت آلیانس ہمارے گروپ میں شامل نہیں تھی, ای ایف یو کے پاس نہیں تھی, لیکن میں چونکہ ایک ایسے ویژن فل شخص کے ساتھ, ایک ایم ڈی کے ساتھ تھا اور ایک ایسے ڈائریکٹر کی میری گرومنگ ہوئی جو فورن کوالیفائڈ, یو کے کوالیفائڈ آکسفورڈ کے پڑھ لکھے تھے, انہوں نے مجھے گروم کیا اور وہ مجھے فور کاسٹ کرتے رہے کہ فیوچر میں یوں, وہ جو کچھ فور کاسٹنگ مجھے بتاتے تھے کہ پچھلے اگلے آنے والے سالوں میں اسٹریٹجی میں کہ شاید یہ ہوگا, تو شاہد بھٹی اس کو کنسیو کرتا تھا اور اس کی ایگزیکیوشن بفور ٹائم کر رہا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے, یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے. تو میں نے پھر ڈوجوان کیا اور پاکستان میں اس کو لے کے چلا اور وہ پھر ہمارا ایک لائف کنیکشن ہوتا ہے, اس میں مجھے آنر ملا کہ اس کو انہوں نے 99 میں بنا دیا گیا. اسی بیس پہ پھر چونکہ میں پاکستان میں ایک میرا یونیک نام بن گیا اور میں ایک ایلیٹ رول میں آیا فائنینشیل سروسز کی ایئر میں, اور ای ایف یو گروپ آف کمپنیز ہے پاکستان کے لارجسٹ, یہ فائنینشیل سروسز کا ادارہ ہے, اس سے بڑا پاکستان میں کوئی ادارہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا گروپ ہے الحمدللہ, اور خاص طور پہ آلیانس پی ٹی او اور ای ایف یو صرف پاکستان میں, یہ ری انشورڈ ہے میونخ ری میں اور سوئس ری میں, ان کی ری انشورنس چل رہی ہے ساری کی ساری. تو یہ ایک اتنا بڑا ادارہ ہے اور یہ جو آج کل ہم مدینہ اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں اور ہم ایک سوشل ویلفیئر کی بات کرتے ہیں کہ اس اسٹیٹ کو پاکستان کو سوشل ویلفیئر بننا چاہیے, تو سوشل ویلفیئر بنانے میں کسی بھی پوری دنیا میں میری سرٹیفکیشن ہوئی, کینیڈا, امریکہ, ٹرکی, ہانگ کانگ, بینکاک, ملائیشیا, سنگاپور, جاپان, ویتنام, اتنے ملکوں کے دورے اور اتنے ملکوں کی سرٹیفکیشن, میں لائف ٹائم ممبر بن گیا اس کا, بینگ ان ہال مینیجر بھی بنا اور پھر جب میں زونل ہیڈ بنا پاکستان لیول پہ, اور پھر میں نے جو 99 کی میری انوویشن تھی 2015 میں میں نے اس کو ایلیٹ کمپنی میں پرفارمنس شو کی, میں نے ایلیٹ کلاس کو قائل کیا کہ آپ ایلیٹ ہیں پاکستان کے اور آپ کے پاس پیسہ بھی ہے, سب کچھ ہے, تو آپ پاکستان میں اپنے پیسے کو محفوظ کیسے بنا سکتے ہیں. میں نے لوگوں کو پیسہ باہر بھیجنے کی بجائے میں نے پاکستان میں ان کا پیسہ ایلیٹ پلیٹ فارم سے, ہمارا ایلیٹ پرمس کارڈ کے ذریعے میں نے یہاں انویسٹ کروایا, میں نے ان کو پروٹیکٹ کیا, ہیلتھ میں پروٹیکٹ کیا, پینشن میں پروٹیکٹ کیا, ایجوکیشن میں پروٹیکٹ کیا بچوں کی, میں نے وہ سارا ایلیٹ پلیٹ فارم پہ وہ ایلیٹ پرمس کارڈ جو ہماری کمپنی نے اجرا کیا ہوتا ہے اس کا, اس میں وہ سارے بینیفٹس کو میں نے خود مارکیٹ بھی کیا اور سیلس بھی کیا ود دا ہیلپ آف ہیڈ آفس. وہ کہ وہ ایلیٹ نام چوز میں نے کیا تھا, آئی ایم تھینکفل ٹو مائی ایم ڈی کہ وہ اس کو لے کے وہ چلے. پھر انہوں نے مجھے یہ بھی اعزاز دیا میرے ایم ڈی نے کہ ابھی ریسنٹ ای ایف یو نے ایک بہت بڑے ٹورنامنٹ کروایا اور میری ٹیم کا نام بھی انہوں نے ایلیٹ ہی چوز کیا اور ایلیٹ کے یونیفارم ہمیں پہنائے اور میں ایلیٹ پرفارمنس پہ آپ نے دیکھا کہ میرے آفس کے باہر وہ سارے وہ جگمگا رہے ہیں, وہ ٹورنامنٹ میں جو پہلی اوپننگ سیمنی تھی اس میں ایلیٹ کی بڑی اچھی پرفارمنس تھی. اس کے اعزاز میں مجھے جب میں نے دوجو واٹ بنایا تھا تو تھوڑا سا پھر فلیش بیک پہ جاتا ہوں کہ مجھے 2001 میں میرے ایم ڈی نے مجھے, میں نے خواہش ظاہر کی کہ میں کینیڈا سے سرٹیفکیشن چاہتا ہوں,
तो उन्होंने फिर मुझे विद फैमिली कनाडा भिजवाया ट्रेनिंग के लिए। फिर ये कारवां चलता गया, ये चलता गया, मेरी सर्टिफिकेशन होती गई। फिर मैंने सर्टिफिकेशन नहीं की, फिर मैं MDRT नहीं बना, मिलियन डॉलर जो कि इंटरनेशनल लीड क्लब है, मैं उसका मेंबर मैं नहीं बना जो कि मैं हूँ लाइफ टाइम। मैंने फिर कंपनी में वो प्लेटफॉर्म दिया कि मैंने यूथ को मेंबर बनाना शुरू किया, मैंने यूथ के लिए वो काम शुरू किया जो कुछ कंपनी ने मुझसे करवाया, लीड प्लेटफॉर्म मुझे लीड बनाया, मैंने फिर उसको मल्टीप्लाई किया, आई मल्टीप्लाई माई सेल्फ। क्योंकि मेरे MD साहब ने जब 97 में मेरी मुलाकात हुई तो मुझे कहा शाही साहब कि थिंक लाइक MD, ये बहुत बड़ा दर्श था मेरे लिए कि मैं शेख ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे हैं, वो शाही भट्टी एक यूनिट मैनेजर हैं और वो उसको कह रहे हैं कि आप अपनी सोच ऐसी रखो तो आप तरक्की करोगे। तो उन्होंने फिर मुझे 2001 में वो एक लेटर भी लिखा जो मेरी स्टेबल की बैक साइड पे दर्शन था, कि वो मेरा सबसे हाईली मोटिव, मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा एहसास जो लेटर है। वो दुनिया ने मुझे बहुत सारे मेडल्स दे दिए, अमेरिका कनाडा में मुझे हांगकांग में मेडल्स मिल गए कंपनी प्लेटफॉर्म से, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा एहसास ये था कि जो मैं अपना मेडल, मेरे MD जो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं और उन्होंने पाकिस्तान में एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को लॉन्च करने के लिए एक नए सिस्टम के साथ ये सब कुछ किया है, तो उनका लेटर मुझे, वो मुझे कहें कि एप्रिसिएशन लेटर, वी नीड नॉलेज, वी पीपल लाइक यू, हमेशा एक बट्टी मल्टीप्लाई योरसेल्फ। तो वो उसका किस्सा मुख्तसर के 2015 में जो आपने पूछा कि आप डिलीट टू एलीट कैसे हो गए, जी बिल्कुल, उर्दू में अगर उसकी मीनिंग की जाए तो वो कतरे से घोर तक, कतरे से घोर, वो सुनान साहब ने कोई है मारे तो उन्होंने अपनी बुक में वो शायर कर दिया जब उन्होंने मेरी स्टोरी सुनी कि भट्टी साहब आपने क्या किया, तो मैंने कहा मैंने अपना करियर, मैं अच्छी फैमिली से बैकग्राउंड था लेकिन कोई अपने इंश्योरेंस में करियर नहीं बनाना चाहता, तो मैं कंपनी के फ्लैग को फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है, हम प्रोविडेंट फंड जनरेटर हैं, हम पेंशन जनरेटर हैं, हम हेल्थ को कवर करते हैं, हम हायर एजुकेशन को कवर करते हैं, हम लोगों के बिजनेस को की पर्सन में कवर करते हैं, हम हज उमरा, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है। फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब यह है कि बदायश से लेकर मौत तक आपकी जिंदगी में जितने भी चीजें इवेंट्स आते हैं, जो भी टास्क आपको अल्लाह ताला ने देखे दुनिया में भेजा है उसको, और उसके साथ फिनांस मुझसे जो हमारे MD हैं था जिस सच वो कंपनी ने आपको अप्रिशिएट किया, मुझे अप्रिशिएट किया, बिल्कुल मुकाम कर रहे हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर उन्होंने मुझे ये सर्टिफिकेट दिया। अब मैं आपको सिर्फ इस वक्त चूंकि हम लाहौर में, मैं अपने ऑफिस में हूँ और इस पर लाहौर की मैं हायरार्की आपको बता देता हूँ कि इस वक्त हमने कंपनी प्लेटफॉर्म से इस साल अमेरिका जो हमने बंदे भिजवाए ये प्लेटफॉर्म ने, जो हमने एलीट बना के उनको MDRT एलीट क्लब की मेंबरशिप दिलवाई अपने फील्ड फोर्स के लोगों को और गार्ड उन्होंने मार्केट को सर्व करने के लिए दिए, तो वो तकरीबन 41 लोग थे जो अमेरिका से नजर करके, ठीक है, पाकिस्तान से, और लाहौर में जो मुझे डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूँ, उसमें से लाहौर में 12 लोग थे। अच्छा, इस जोन में जो डायरेक्ट रिपोर्टिंग में थे, तो 12 बंदे, आप देखिए कि ये इस किस्म का प्लेटफॉर्म एक एलीट प्लेटफॉर्म है कि इसमें अगर आप हायरार्की के स्ट्रक्चर को चेक करें तो इसमें बहुत खूबसूरत विद इन ए कंपनी, एक तो ये कंपनी ऐसी है कि जो अपने एम्प्लॉइज के लिए बहुत ही खूबसूरत उनके करियर बिल्ड करती है, पूरा प्लेटफॉर्म है, तो हम सिर्फ और सिर्फ लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर रहे, डबल काम है, एलीट क्लब का भी डबल काम है और उसको पावर्ड बाय EFU है, हम सिर्फ लोगों के, जैसे आपने मुझसे शुरू में कहा कि हायरार्की स्ट्रक्चर में मेरे बहुत सारे, मेरे पास मैनेजर्स हैं यहाँ पे, पूरे बड़े बड़े ऑफिस आपने देखे हैं, इनकी मेंटेनेंस के लिए हमारे पास रफी मलिक हैं, फिर मुझे सलीम भट्टी जो अभी स्विट्जरलैंड से हमने उसकी सर्टिफिकेशन करवाई, फिर आपने देखा स्टाफ मेरा मिला आपको APO करवाई, फिर मेरे मैनेजर्स हैं वो इफ्तार है, वो मलिक अजहर है, ऐसे कुछ लोग हैं और बहुत सारे जो अमेरिका कैनेडा हर वक्त ओवरसीज पे हम उनकी एलीट प्लेटफॉर्म से उनकी ट्रैवलिंग कंपनी और हम लोग करवाते रहते हैं,
تو یہ صرف پلیٹفارم ایک تو عوام کے فلاح کا کام ہم کر رہے ہیں. دا اونلی فائنینشیل سروسز آرگنائزیشن, وی آر ناٹ بیسیکلی کمپنی, وی آر آرگنائزیشن, کہ جو پاکستان میں سماجی معاشی اور فائنینشیل لوگوں کو ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں, اور اس میں بچوں کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو, ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو, پینشن سے ریلیٹڈ ہو, ویڈنگس, وہ جو میں پہلے آپ کو بیان کر چکا ہوا تھا. تو یہ پورا کا پورا ہیرارکی اسٹرکچر ہمارا اتنا کنکریٹ ہے کہ ہمارا جو ایک جو سسٹم ہے یونٹنگ سسٹم, جو ایک ایلیٹ سسٹم انشورنس پہ آیا ہے. دیکھیں میں پھر کہتا ہوں, وی آر ناٹ انشورنس کمپنی, وی آر انشورنس کمپنی. اور اس میں ایلیٹ ایک برانڈ بنا, پھر ایلیٹ کے اوپر فیلکن ہوتا ہے, فیلکن کے اوپر ڈائمنڈ ہوتا ہے. تو یہ سارے کلبس ہیں, ٹھیک ہے, جو جو بڑے بڑے ہمارے ممبرس ہیں جو پاکستان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو دا بیسیکلی جو رول ہوتا ہے ایسے کلبس کا, جو اس پلیٹ فارم پہ کلبس بنے, وہ پاکستان میں ہی پاکستان کے پیسے کو محفوظ کیا جائے, یہاں سے وہ فلائی کر کے باہر نہ آئے, بلکہ ایون اوورسیز جو ہیں, اوورسیز ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے, جیسے میں نے پچھلے دنوں آپ نے پروگرام میرا دیکھا, آپ نے پوچھا بھی کہ پاکستان ایگزیکٹو فورم پہ بڑی صاحب مجھے گورنمنٹ کے لوگ بھی تھے, مجھے بھی بلایا گیا اسپیشلی ایز اے اسپیشل گیسٹ, آنریبل گیسٹ. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جتنا بھی پیسہ لائیں گے ہم آپ کے پیسے کو ایز اے کی پرسن محفوظ کریں گے, ہم اس کو کولیٹرل پروٹیکشن کور دیں گے. آپ اگر ہمارے کلب کے ممبرس بنتے ہیں تو جتنے بھی لوگ دیکھیں کتنا خوبصورت کام ہے, آج تک پاکستان میں کسی ادارے نے کبھی انکم پروٹیکشن کی طرف بات نہیں کی تھی. اگر 3Ds ہو جائیں تو انکم کی پروٹیکشن, آج تک کوئی ادارہ ایسا ہے جو آپ کی اور میری انکم کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اگینسٹ 3Ds? یہ ادارہ ہے اس کلب جو میں جس کلب کی میں بات کر رہا ہوں, پرامس ایلیٹ کارڈ کلب ہے, وہ سب سے پہلا اس کا ایلیمنٹ ہے کہ وہ سب سے پہلے بندوں کی انکم کو پروٹیکٹ کرتا ہے. یہ ایسا ادارہ ہے. تو اس ہیرارکی میں الحمدللہ اس سارے سلسلے میں 24 سال میرے گزر گئے, اگلا سال میرا 25 سال سلور جوبلی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا, چاہے گورنمنٹ ہو, چاہے اپوزیشن ہو, چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہوں, چاہے وہ سوشل سرکل ہو, چاہے وہ میڈیم ہو, کوئی میڈیم بھی ہو, تو آپ جیسے بھائی پیار کرتے ہیں, مجھے بلاتے ہیں. اور پھر میں نے جو یوتھ کے لیے جو انٹرنشپ پروگرام میں نے شروع کیا وہ سیف کے نام سے, اور یوتھ لیڈ کلب کے نام سے, سیف از دا ایبریویشن آف اسمارٹ یوتھ فورس. یہ جو فورس ہے یہ آنے والے دنوں میں ہر گھر میں, جیسے ایک لائر ہوتا ہے, ایک ڈاکٹر, خواہش ہوتی ہے نا میرا بیٹا ڈاکٹر بنے, لائر بنے, ایک فائنینشیل ایڈوائزر بنے, جو آنے والے رینی ڈیز کے لیے فیملی کو پروٹیکشن کے لیے اپنے پیرنٹس کو بتائے کہ پاپا آج پیسہ محفوظ کریں, کل کو آپ کے اور ہمارے بڑھاپے میں کام آئے گا. تو یہ وہ آبجیکٹو ہے جو یونیورسٹیز میں میں تھیم لے کے جا رہا ہوں, جس کو پاپولیرٹی ملی ہے, جس پہ لوگوں نے مجھ سے ٹائم لینا شروع کی ہے. یہ انشورنس تو ہر بندہ بیچ رہا تھا, فائنینشیل سروسز ایک مشکل سبجیکٹ ہے, آپ نے کہا اس کو ہائی لائٹ کرنا, اس کو مارکیٹ کرنا, اس کو گھر گھر پہنچانا, یہ میسج مشکل تھا. آپ جیسے بھائیوں نے میرا ساتھ دیا, اور آج یہ ٹیلی ویژن اور میاں شاہد صاحب, اگین آئی وڈ سے تھینک یو ویری مچ فار می اینڈ تھینک یو ویری مچ فار دا نیشن آف دا پاکستان, کہ آپ نے جو آج مجھ سے یہ باتیں کی ہیں, یہ باتیں اگر 2 سال پہلے ہو چکی ہوتی تو آج پاکستان کی اکانومی کی یہ حال نہ ہوتا. کیونکہ اکانومی جو ہوتی ہے کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, اور ریڑھ کی ہڈی کے اندر جو مک ہوتی ہے وہ فائنینشیل سروسز کے ادارے ہوتی ہے. تو جس سے میرا تعلق ہے, اور 24 سال میں نے زندگی کی گزار دی, تو میرا رول بنتا ہے کہ میں پاکستانی قوم کی خدمت کروں. نو ڈاؤٹ بٹی صاحب, شکریہ ایک تو آپ کا, اور پلیئر ہمارے لیے بہت بڑی باتیں آپ نے کر دی ہے. سیکنڈلی بٹی صاحب, میں ایک اصل چیز پر آنا چاہوں گا. ایک عام انسان, ٹھیک ہے, جس کو ایک تو ای ایف یو کا نہیں پتا, ای ایف یو کیا ہے, اس نے ابھی کچھ سیونگ کرنی ہے, یا کوئی فائنینشل اس کی اس طرح سیکورٹی چاہتا ہے, تو اس تک کیسے پہنچا جائے, ٹھیک ہے, یا اس کو کیسے گائیڈ کیا جائے, کیونکہ اس کو اویئرنیس نہیں ہے پاکستان جیسے سوسائٹی میں, اسپیشلی اگر ہم اپنے رورل ایریا کی بات کریں, اربن ایریاز میں کچھ اور پوزیشن ہوتی ہے, نمبر 1. ٹھیک ہے, سیکنڈلی یہ جو آپ کا ایلیٹ کلب ہے,
ठीक है, इसमें फिर वही बात एलीट की आ जाती है जो हर कोई सोचता है बड़े लोगों की, ठीक है, बस उसको एलीट इज द सिंबल ऑफ परफेक्शन है, लेकिन हम उसको एलीट क्लास में कैसे मिल गया, उसमें इससे जो मैसेज आ रहा है या जो मैं भी समझ रहा हूँ वो एलीट लोगों के लिए, एलीट क्लास के लिए, ठीक है, एक आम इंसान के लिए हमारी गवर्नमेंट की तरह क्या आप भी कुछ सोच रहे हैं कि नहीं, क्योंकि नया पाकिस्तान है नंबर वन, नंबर सेकेंडली आपको आजकल पता है माशी तौर पर पाकिस्तान के क्या हालात हैं, ठीक है, और आजकल किस तरह मुश्किल हो गया तमाम मामला, तो इस टेन्योर में भी एक आम इंसान क्या वो अपनी सेविंग कर सकेगा, पॉसिबल है, आपके पास कुछ ऐसे प्लान्स हैं जो आप ऑफर करते हैं EFGO के प्लेटफॉर्म से उस लोगों को, आम लोगों को जो कि इसका पार्ट बने, प्लीज। बहुत शुक्रिया, ये वैसे ये बात इस पर पूरा एक सब्जेक्ट है, ठीक है, मैक्रो और माइक्रो लेवल पे बड़ा फर्क हो जाता है, बिल्कुल EFGO के पास, हमारे पास एक स्कूल यानी कॉलेज का 18 साल जिसकी एज हो तो उससे लेके, वैसे तो 6 माह का बच्चा भी हो उसको हम इंश्योर कर देते हैं, इंश्योर नहीं करते, इंश्योर इंश्योर क्योंकि उसके जिंदगी में ही हमने उसके लिए फंड जनरेट करना है, दैट्स व्हाई वी आर इंश्योरेंस कंपनी, तो उसकी जिंदगी के साथ रिलेटेड चीज़ें होती हैं, और जिंदगी के बाद तो जो क्लेम होना होता है वो क्लेम हो जाता है, बिल्कुल है ऐसे प्लान हमारे, उसको आपको हमारा खुशहाल प्लान है, हमारे पास एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन है स्टूडेंट्स के लिए, हर तबके के लिए, देखिए मैंने पहले कहा था फाइनेंशियल सर्विसेज में पैदाइश से लेकर मौत तक पैसे आज जहाँ आता है, जहाँ पैसे में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है उसको फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा कवर अप करते हैं, और इसमें ये मेरा इदारा नंबर वन है पाकिस्तान में, हर प्लान है, हम एक छोटे से छोटे आदमी की प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व कर सकते हैं और बड़े से बड़े एलीट क्लास में हर चीज़ इस इदारे में। बाकी आपने कही कि रूरल एरिया में चूँकि अभी कुछ मीडिया पे हमें टाइम मिल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिवेट हैं, हमारी एड्स भी चलती हैं, और इसलिए हम एक ऐसा ऐसे इदारे में मैं हूँ, ये जो मैंने जो यूथ और सेफ प्रोग्राम बनाया यस और सेफ, इसका ऑब्जेक्टिव दो है, एक तो अवेयरनेस कंपेन है, दूसरा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना भी है, कि हम लोगों को रिक्रूटमेंट, जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के जरिए लोग आते हैं तो हर शख्स शायद भट्टी बंसनेंस है, और बहुत सारे शायद भट्टी चाहिए, और कंपनी में शायद भट्टियों की बहुत ज़रूरत है कंपनी को, और मुझे भी ज़रूरत है कि हम मल्टीप्लाई करें और हम रोज़गार, हम लोगों को प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं और लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज की ट्रेनिंग में सिर्फ बीमा एजेंसी नहीं है, फाइनेंशियल सर्विसेज एक वास्ट फील्ड है, जो मैंने आपको सोशल सिक्योरिटी, तो उसमें हर चीज इंसान के साथ रिलेटेड जो होती है वो आती है, तो उसकी अवेयरनेस कैंपेन और उसमें अपना करियर बिल्ड करना, ठीक है ना, ये देखिए ये इतना बड़ा इदारा है तो बैंक हमें रिपोर्ट कर रहे हैं ना, जी जी बिल्कुल, हम वी आर बिगर देन बैंक्स, तो बैंक हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, वी आर नॉट रिपोर्टिंग टू बैंक्स, ठीक है, तो ये क्यों हुआ, ये ऐसे हुआ क्योंकि हमने जो यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जो मुल्क के हालात हो गए थे, तो हमारी कंपनी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, हमारी कंपनी ने रोजगार भी दिया और लोगों को महफूज भी किया, और जिनका सरमाया था उसको भी महफूज किया, तो मैं तो आज आपके टेलीविजन के तो से मैं अपने पाकिस्तानी यूथ को पाकिस्तानी अवाम को ऑफर करता हूँ कि आए, ये इतना खूबसूरत काम है, सिंबल ऑफ परफेक्शन एलीट क्लब भी है EFGO, जो कि 1932 से पाकिस्तानों पाकिस्तानी बनने से पहले से पाकिस्तानियों की हेल्प करती आ रही है, मुसलमानों का पहली कंपनी थी और मुसलमानों को सपोर्ट करने के लिए बनी थी, फिर ये पाकिस्तानी कंपनी बनी और इसने एशिया में अपना मुकाम बनाया, तो ये एक ऐसा बड़ा इदारा है जो रोजगार भी दे रहा है और पाकिस्तान के लोगों को महफूज भी कर रहा हैज़र्ड्स के लिए, आफात के जितनी भी लाइफ हैज़र्ड्स आती हैं उनके अगेंस्ट हम प्रोटेक्ट करते हैं, यही हमारा स्लोगन है, वी आर ए फैमिली और वी आर द प्रोटेक्टर ऑफ द पाकिस्तानी नेशन एंड द फाइनेंशियल मैटर ऑफ द पीपल। ग्रेट बड़ी साहब लास्ट क्वेश्चन में बातें बहुत सारी हैं और वो मुझे मेरे अपने ख्याल में एक निश्चित में आप जितनी बड़ी पर्सनैलिटी है तो उसको कवर नहीं कर सकते, क्योंकि ये टोटल आपका जो EFGO के ऊपर मना था प्रोग्राम, आपकी ज़ाती लाइफ के ऊपर हम एक और करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी,
लेकिन वैसे लास्ट पर ये बताइएगा एक न्यू जनरेशन के लिए कोई आप मैसेज, वैसे तो आपका पूरा इंटरव्यू एक मैसेज था अभी भी जिस पर आपने कहा कि आप यंगस्टर्स के लिए करना चाह रहे, और स्पेशली आपका ये जो प्रोडक्ट है एलीट जो है प्राइम स्कार्ड, ठीक है, हमारा क्लब मेंबरशिप क्लब है, इसमें आम इंसान को समझाने के लिए ये क्या आप बताएंगे, वो समझें कि ये कार्ड क्या है, देखिए ये इतना खूबसूरत, इससे फायदा क्या होगा। हाँ जी, देखिए जो थोड़े से अगर कोई शख्स महीने का 15-20 हजार रुपया बचा सकता है, ठीक है, तो उसको इस प्रॉमिस क्लब कार्ड का मेंबर बनने के लिए बहुत सारी आसानी है। इसमें टैक्स की छूट भी है, ठीक है, इसमें अगर आप ओवरसीज को ट्रेवल करते हैं तो एग्जीक्यूटिव लॉन्चेस की फैसिलिटी भी है, इसमें कनेक्टिविटी ऑफ द बिजनेस भी मौजूद है, इसमें कनेक्टिविटी ऑफ द लॉयर भी मौजूद है, इसमें कनेक्टिविटी ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन भी मौजूद है, इसमें इतने फीचर्स हैं जी जी, पेंशन से लेके जो मैंने आपको बताया, हायर एजुकेशन का फंड जनरेट करना, बस एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, अगर कोई शख्स हमें ये कह दे कि बट साहब हम आपको 40 रुपये दे रहे हैं और हमारे बच्चे ने आपको बाहर जाके पढ़ना है या हायर एजुकेशन में पढ़ना है या लम्स में पढ़ना, चले बाहर भी जाते हैं आजकल पाकिस्तान में, मतलब आजकल मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए 50 लाख चाहिए, लेकिन उसने प्लान किया मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, तो प्लानिंग तो आज से नहीं शुरू करेगा ना कि जब उसने एफएससी कर ली, प्लानिंग शुरू करेगा वो तो प्लान शुरू करेगा जब वो छोटा कि मैं इसको डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी में मैं नाम नहीं लेता, वो कहेंगे बड़ी साहब आपने लम्स का नाम दे दिया, फास्ट का क्यों लिया, बीएमयू का क्यों लिया, उनका नहीं लिया, यूएमटी का लिया, यूसीपी का लिया, या कराची के इदारों के नाम नहीं लिए, तो जो भी इदारा है आजकल वो बड़ा हैवी भी हो रहा है, तो उसके लिए भी हम उनको इंस्टॉलमेंट पे हम लेते हैं चीजें, क्वार्टरली हो हाफ ईयरली हो एनम हो, तो हम कार्ड इशू कर देते हैं और उसमें फंड जनरेशन करते हैं, यूनिट लिंक सिस्टम कह रहे हैं, वो हमें 40 रुपये देते हैं तो 60 रुपये उनके पैसों में हमारी कंपनी डाल देती है, उसमें हमारी कंपनी उसमें डालती है 60 रुपये, बिल्कुल, तो ये एक कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है, वो 19-20 तो हो सकता है, वो 10-20 नहीं हो सकता, तो ऊपर SCCP उसको मॉनिटर कर रहा होता हमारे फंड। भाई साहब ये बहुत नेकी का काम है माशाल्लाह, और मेरी और मेरे अदारे की दुआ है कि अल्लाह ताला ये जो आपका विजन है और बहुत क्लियर है विजन माशाल्लाह, और EFU का तो नो डाउट पाकिस्तान में 1932 आप जैसे बता रहे थे तब से ये, और इस मैं थोड़ा सा वो जो मिस कर रहा हूं, अगर किसी बंदे को मेडिकल की जरूरत पड़ती है तो हॉस्पिटल तो हमारे पैनल पे है, 76 कंट्रीज में डॉक्टर कनेक्टिविटी है, इस कार्ड की ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। और इसके साथ और आपके मुझे ये भी है कि बड़े साहब अगर इस फाइनेंशियल सर्विसेज की चीजों को आवाम के लिए फैलाया जाए जी, हाँ मेरा साथ जी बिल्कुल, एशियन ट्रेड भी आपके साथ है हर प्लेटफॉर्म पर हर लेवल के ऊपर, ताकि हम हकदार तक हक पहुंचाएं और अवेयरनेस क्रिएट करें, ताकि लीड का जो है ये कार्ड है आपका हर कोई ले सकता हो, इसको इजी बनाया जाए, इजी बनाया जाए। शुक्रिया भट्टी साहब बहुत बहुत, इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। जी नाजरीन, ये थे शाहिद इकबाल भट्टी साहब, बहुत मजा आया होगा आपको उनकी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू सुन के, इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगले प्रोग्राम में, अगले सफर तक के लिए शाहिद मियां को एशियन ट्रेड टीवी से इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहां तक पहुंची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है यार, एक मशवरा तो दो। हाँ, कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहां पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूं हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है, सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ।